मिली इनपुट के बाद इंदौर पुलिस ने सरफराज मैनर को किया गिरफ्तार। भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रचने वाला संदिग्ध आतंकवादी सरफराज मेनन को NIA से इनपुट मिलने के बाद इंदौर पुलिस ने हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र ATS और NIA की टीम जल्द ही उससे पूछताछ करेगी। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश करेंगी कि उसकी प्लानिंग क्या थी और साजिश में कौन कौन शामिल है। सरफराज मेनन पर पाकिस्तान, चीन और हांगकांग में ट्रेनिंग लेने का भी आरोप है। ऐसे में सरफराज से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल इंदौर पुलिस के खुफिया विभाग की टीम आतंकी से पूछताछ कर रही है। सदाकत खान की तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ आई सामने। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता सदाकत खान की अखिलेश यादव के साथ तस्वीरें सामने आई। LLB स्टूडेंट सदाकत का समाजवादी पार्टी के साथ संबंध के साथ ही सदाकत अतीक अहमद के परिवार का भी करीबी है। सोशल मीडिया पर सदाकत की तस्वीर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ सामने आई है। CM सुखविंदर सिंह गवर्नर से मिलने कैलाश हॉस्पिटल नोएडा पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू नोएडा सेक्टर 27 कैलाश हॉस्पिटल गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला का हाल जानने पहुंचे। CM ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला का मुलाकात कर जाना उनके स्वास्थ्य का हाल। दिल्ली दौरे के दौरान अचानक तबीयत खराब होने पर शिव प्रताप शुक्ला को इलाज के लिए कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कार्टूनिस्ट पर 51 करोड़ के इनाम के मामले में हाजी याकूब को मिली जमानत। ADJ कोर्ट ने हाजी याकूब को दी जमानत। पर्याप्त आधार पर हाजी याकूब को जमानत। पैगंबर का कार्टून बनाने वाले पर इनाम घोषित किया था हाजी याकूब ने। 17 फरवरी 2006 को याकूब ने किया था ऐलान। याकूब की गायब केस डायरी पुलिस ने फिर से बनाई। पुलिसिया मशक्कत के बाद याकूब को मिली बेल। हारी हुई सीटों के लिए BJP ने बनाई प्रभारी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए BJP ने मिशन 80 का लक्ष्य रखा है। हारी 14 सीटों के लिए पूरी ताकत झोंकेगी BJP। इन सीटों पर संयोजक और सह संयोजक नियुक्त, 3-3 सीटों के लिए क्लस्टर बनाकर प्रभारी नियुक्त। राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल 2 मार्च को करेंगे मंथन। तृणमूल कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक, प्रोफाइल फोटो और नाम बदला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। फिलहाल पार्टी ने अभी तक इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। TMC का ट्विटर अकाउंट हैक होने के बाद प्रोफाइल फोटो और नाम बदला गया। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और CBI जांच को दी चुनौती। मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी। सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी और CBI जांच के तरीके को दी है चुनौती। सिसोदिया की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 3:30 पर होगी सुनवाई। एग्जिट पोल के मुताबिक मेघालय में नहीं बनेगी भाजपा की सरकार। क्वेश्चन बहुल मेघालय राज्य में भाजपा की सरकार बनाने का मंसूबा एग्जिट पोल के मुताबिक चकनाचूर होता दिख रहा है। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इस साल होने वाले सभी 9 राज्य विधानसभा चुनावों में जीत का लक्ष्य तय कर रखा है, परंतु मेघालय में पार्टी की उम्मीदें धराशायी होती दिख रही हैं। इस बार यहां सबसे बड़ी उलटफेर TMC करती देख रही है, जिसे 14 से लेकर 9 सीटें तक मिलने की भविष्यवाणी की गई है। ताज ट्रेपेजियम जोन में 15 साल पुराने वाहनों को नहीं चलाया जा सकेगा। RTO ने UPSC, ASA, AY सीरीज तक के वाहनों का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। ताज ट्रेपेजियम जोन में 15 साल पहले रजिस्टर्ड किए गए 70,000 वाहनों को नहीं चलाया जा सकेगा। इन वाहनों को सड़क पर देखते ही इनका चालान होगा और सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। आगरा स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर इन वाहनों की सीरीज निगरानी के लिए भेज दी गई है। जयप्रदा ने CM योगी से उनके आवास पर की मुलाकात। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 2 सीटें खाली हैं, हालांकि अभी तक इन पर उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दोनों ही सीटों पर BJP और सपा के कई प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही हैं। रामपुर स्थित स्वार विधानसभा सीट आजम खान के बेटे और सपा के विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई है। अब जल्द ही इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान होने वाला है। इससे पहले उम्मीदवारों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दूसरी ओर जयप्रदा के CM योगी से मुलाकात के बाद उनके स्वार विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने इस मुलाकात को मात्र शिष्टाचार मुलाकात बताया है। होली में बड़ा घरेलू उड़ानों का किराया, विमानन कंपनियां उठा रही हैं मौके का फायदा।
होली के मौके पर बड़े शहरों से घर आने जाने वालों के लिए विकट समस्या, ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, एसी फर्स्ट क्लास तक में रिजर्वेशन अब नहीं बचा है। ऐसे में विमान कंपनियां भी मौके का फायदा उठा रही हैं। फायदा दिल्ली से मुंबई बनारस के लिए टिकट हुई सबसे महंगी, बैंकॉक जाने से भी महंगा है वाराणसी मुंबई का सफर। होली से पहले आसमान में फ्लाइट टिकट के दाम, सुनहरे मौके को विमान कंपनियां जमकर भुना रही हैं। दिल्ली या मुंबई से वाराणसी आने वाली उड़ानों के किराए बैंकॉक के सफर से भी ज्यादा हैं। मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेजा गया। उन्हें दिल्ली आबकारी नीति मामले में सोमवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। सिसोदिया की पेशी के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर भारी सुरक्षा मौजूद थी। इस मामले की रिमांड ऑर्डर में आबकारी पुलिस को तैयार करने और उसके क्रियान्वयन के पीछे शराब कारोबारी और लाइसेंसधारियों को गलत तरीके से लाभ पहुँचाना मुख्य मकसद था। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत पहुंचे संत देवरहवा बाबा आश्रम। सोमवार शाम विंध्य पर्वत पर स्थित प्रसिद्ध संत देवरहवा बाबा आश्रम पहुंचे सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय आरएसएस द्वारा जारी सूची के लोगों को ही प्रवेश दिया गया है। आरएसएस प्रमुख के सभी कार्यक्रम आश्रम के अंदर ही हैं, जिसे उन्हीं लोगों द्वारा बनाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी खुद जिला पुलिस प्रमुख राजीव नारायण मिश्र ने संभाल रखी है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। मेटल डिटेक्टर के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। पुलिस के जवानों के साथ जिला के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। प्रयागराज हत्याकांड पर ब्रजेश पाठक ने दिया बयान, कहा नजीर बनेगी कार्रवाई। प्रयागराज शूटआउट पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सदन के बाहर मीडिया से कहा कि हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ पीड़ित परिवार के साथ है, हम उसको न्याय दिलाएंगे, कोई भी बचेगा नहीं। उन्होंने कहा कि सभी माफिया समाजवादी पार्टी में पोषित और पल्लवित होते रहे हैं, सरकार उनको खोजकर कड़ी कार्रवाई करेगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो सबके लिए नजीर बनेगी। अपने ही लेंगे उनकी पुतिन की जान, जेलेंस्की ने पुतिन को लेकर किया बड़ा दावा। एक साल से चल रहे रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन को एक दिन इनर सर्कल के लोग ही मारेंगे। न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार यह टिप्पणी एयर शीर्षक वाले एक यूक्रेनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। ये डॉक्यूमेंट्री शुक्रवार को यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को एक साल पूरा होने के मौके पर जारी की गई थी। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति के नेतृत्व में टूट का दौर आएगा, जिससे उनके करीबी सहयोगी उनके खिलाफ हो जाएंगे। अमेरिका के लिटिल लॉस में एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त 5 लोगों की मौत। अमेरिका के लिटिल लॉस अक्रॉन्सिस के पोलोस्की काउंटी में एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। 2 इंजन वाले विमान ने विल और हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, जिसे ओयो में जॉन क्लेन कोलंबस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था। इस क्राफ्ट BE-20 विमान में 5 यात्री सवार थे। उड़ान भरने के बाद विमान रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हिमालयी देश नेपाल में एक बार फिर उत्पन्न हुआ राजनीतिक संकट। हिमालयी देश नेपाल एक बार फिर राजनीतिक झंझावतों में फंसा। एक बार फिर नेपाल सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि उम्मीद है कि माओवादी नेता पीके दहल कांग्रेस की मदद से संसद में विश्वास मत हासिल कर लेंगे। दहल की पार्टी ने नेपाल के राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन किया था। एक दशक पहले शुरू किया गया चीन का बेहद खास प्रोजेक्ट, जिस पर लगी जंग। दरअसल चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट एक दशक पहले 2013 में शुरू किया गया था। यह परियोजना शुरू से ही त्रुटिपूर्ण थी। चीन का एजेंडा पाकिस्तान के रोजगार और विकास का नहीं, बल्कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का और जल डमरू मध्य से मौजूदा मार्ग को दरकिनार कर CPEC परियोजना के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना था। पर CPEC परियोजना शुरू होने के बाद कुछ स्थानीय समूहों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे इस परियोजना को उचित कार्यबल नहीं मिल सका। रूसी सैनिकों ने अपनी दुर्दशा का खुला पत्र राष्ट्रपति के नाम किया जारी। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के 1 साल पूरे हो चुके हैं। 6 लाख से ज्यादा सैनिक मर चुके हैं और 1 लाख हो चुके हैं घायल। रोते रूसी सैनिकों ने वीडियो बनाकर पुतिन को भेजा। इस दौरान दोनों देशों के हजारों सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस बीच हताश रूसी सैनिकों ने वीडियो बनाकर पुतिन के नाम एक पत्र जारी किया है, जिसमें सैनिकों ने अपनी दुर्दशा को बताया है।
आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।